जो बयान दिता गया संबंध में सरदार जगवंत भगवंत सिंह सच्चर साहब जिहड़े उन्हां दा स्पष्टीकरण लैके जो मंगिया गया सी उह लैके आए ने मुआफ़ीनामा उन्हां दा तो अज इन्हां सकत्तरी श्री अकाल तख्त साहिब विखे दिता है। हाँ जी, इस जथेदार साहब नूं दिता जाऊगा जी, उन्हां दे सन्मुख कीता जाऊ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीते दिनी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग जी वल्लों एक चैनल पर गलबात करदिआं, चाहे उन्होंने अपनी राष्ट्रीय विरोधी पार्टी बारे कोई गल कर रहे सन, लेकिन उन्होंने कोलों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी के प्रति भी कोई गल मूँह चो निकल गई सी, जिहदा उन्होंने बहुत बाद विच पछतावा भी होया सी। ते उन्होंने एक चैनल पर बोलदिआं उहदी मुआफ़ी भी मंगी सी, लेकिन उन्होंने मन में सी कि मैं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब न आप जाके मुआफ़ीनामा दें, लेकिन सियासी रुझेवें कारण वो आप उत्थे नहीं पहुँच सके इत्थे, क्योंकि उन्हां दी धर्मपत्नी गिदड़बाहा तो जिमनी चोण लड़ रहे हैं। इस करके उन्होंने लिखती तौर पर श्री अकाल तख्त साहब जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी के नाम जिहड़ा मुआफ़ीनामा वो लिख के भेजा है दास दे राही, तो वह मैं अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के सकत्तरत विखे पहुँच के सरदार गुरवेल सिंह जी को उन्हां दा मुआफ़ीनामा जिहड़ा है वह दिता है। वैसे तो उन्होंने माफ़ी मंग ली गई है, जथेदार वालों पेश होने लिए भी किया गया सी वड़िंग साहब को, उन्होंने राजा वड़िंग जी के मन में सी कि मैं गुरु का सिख हाँ, तो जो साड़ी मर्यादा है कि भावें मैं माफ़ी उहदी एक चैनल पर मंग भी ली सी, लेकिन कहते कि मेरे मन में अजे कोई वलवला है कि मैं लिखती तौर पर भी उहदी जा माफ़ी मंगा, इस करके उन्होंने लिखती तौर पर भी जो पत्र है वह भेजे। अज मंग पत्र कितना दिता गया जी? हाँ जी, अज मंग पत्र कितना दिता गया? यह सरदार गुरवेल सिंह ने जिन्हें ड्यूटी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब लाई सी, क्योंकि अज रुझे ने जो उन्होंने इजलास हो रहा है, इस करके सरदार गुरवेल सिंह उन्होंने वोड़ा मंग पत्र है वह रिसीव किया। चोणों तो बाद प्रधान सभा राजा वड़िंग जी पहुँचेंगे इतने दोबारा जी? जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी का हुक्म होएगा वह खिड़े मत्थे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी उन्होंने प्रवान करेंगे। लेकिन सच्चा साहब एक बन्ने राजा वड़िंग जी ने जो कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म सिर मत्थे लै रहे हैं, दूसरे पास विरसा सिंह बलटोआ फिर दोबारा तो सरगर्म नज़र आ रहे हैं, जो जो जवानी गुलामी हो रहा है, की कहना चाहोगे इस बाबा जी? वेखो, असी सब तो पहलों चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी नाल संबंध रखते हैं, सब तो पहलों असी समर्पित हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, समर्पित हाँ श्री अकाल तख्त साहिब नूं। साडा हर एक का फर्ज बनता है कि इन संस्थावां नूं गुरु साहब नूं सीस झुकाउण दा। यह विरसा सिंह बलटोआ की अपनी सोच हो सकती है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने कहा कि जदों ये मेरे कोलों लफ्ज़ निकले ने और मेरे मन में बहुत अफसोस होया, मैं उस वेले ही उसकी माफ़ी भी मंगी सी, लेकिन अज भी लिखती तौर पर भी उन्होंने जिहड़ा भेजा। इस करके हर एक बंदे की आपो अपनी सोच है, किसी विच निम्रता होंदी है, किसी विच हंकार हुंदा है, पर लेकिन गुरु साहब सारा कुछ वेख रहे हैं कि हंकार का की फर्क हुंदा है ते जिहड़ी निम्रता है उहदा की फर्क। पंथक सरकार कहिंदी सी जी अपने आप नूं, लेकिन अज जथेदारां नूं ही उन्होंने कटघरे च खड़ा करता जी। पंथक आपां किहनूं कहिंदे आ? पंथक कौन है? जिहड़े असी पंथक नालों घट हाँ, चाहे असी कांग्रेस पार्टी नाल संबंध रखते हैं, असी भी समर्पित हाँ श्री अकाल तख्त साहिब नूं मत्था टेकदे हाँ, जो सानू गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां ने, असी पंथक नहीं। लेकिन की मतलब जिहड़ा कोई होर पंथक हुंदा है, मेरे ख्याल ये कोई गल पंथ नहीं, असी भी अपने आप नूं पंथक ही कहिंदे हाँ।